के दौरान फायरिंग का मामला सामने आया है। पूर्व सराय ओपी पुलिस स्टेशन में जमकर तोड़फोड़ हुई है। उपद्रवियों ने पुलिस के दो वाहनों को भी फूंक दिया है। वहीं घटना होने पे डीआईजी मनु महाराज मुंगेर पहुंचे हैं। सड़कों पे फ्लैग मार्च किया जा रहा है। उन्होंने शांति बनाए रखने की लोगों से अपील की है और अफवाहों पे ध्यान न देने की बात भी कही है। कहा कि उपद्रवियों के साथ भीड़ का हिस्सा न बने। उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। बताया जा रहा है कि आज 5 थानों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना हुई है, लेकिन अभी मामला पूरी तरह शांत है। स्वर्णा के साथ न्यूज टीम की रिपोर्ट। देखिए, लोग शांतिपूर्वक रहें। हम पहले भी अपील कर चुके हैं, शांति से रहें। जो भी स्थिति है उसको नियंत्रण में किया जा रहा है। उपद्रवी तत्व जो है वो बीच में नहीं आए और क्षति ना पहुँचाए। जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हम लोग करेंगे, जाँच होगी सब भी। कोई भी उपद्रवी तत्व ना आए और लोग उसको भीड़ का पार्ट ना बने। सर, कितने थानों को? दो थानों, तीन चार थानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। उसका आंकलन अभी किया जा रहा है। सर, कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? पुलिसकर्मी कितने घायल हुए हैं सर? अभी हम आंकलन करेंगे कुछ भी। ठीक है सर। फिर उपद्रवी पर कोई कार्रवाई? सर, उपद्रवी पर कोई कार्रवाई? निश्चित रूप से चिन्हित करके कार्रवाई होगी। वीडियो फुटेज भी आया है सब लोग। इस तरह की जो घटना बर्दाश्त नहीं की जा सकती। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज़ क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।